वह सिर्फ विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं है, वो भी मोदी गारंटी योजना है। आज गांव-गांव में जा रही है और गरीब कल्याण की जितनी भी योजना है उस सबसे वंचित लोगों का फॉर्म भरवाकर उन्हें वो हक उनका उपलब्ध कराने का काम मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। मोदी जी ने रथ भेजा, एक कार्यक्रम भेजा कि हर पंचायत में जाइए और वहां पर जितने भी सरकारी योजना के हितग्राही है जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको ढूंढ ढूंढ कर उन्हें लाभ दिलाइए। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना कल हमारे मित्र रामनिवास जी बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे कि ये राज्यपाल का अभिभाषण है कि सरकार का केंद्र सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उनको इतना स्मरण कराना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में गए थे तो हमने एक ही वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार का दस्तावेज है। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंदिरा आवास योजना आपकी सरकार ने दी थी, मध्य प्रदेश में कितने मकान बने थे? मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश में बने, 50 लाख से ज्यादा। यदि एक एक मकान का हम 2-2 लाख की भी कीमत समझे तो कितना पैसा आया सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से मध्य प्रदेश में? और वो पैसा आया जब मध्य प्रदेश के अंदर उस उपभोक्ता के पास, तो उसने सीमेंट कहां से खरीदी, उसने सरिया कहां से खरीदा? हमारे प्रदेश से। तो ये जो 5,000 करोड़ रुपया आया है, ये 5,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के बाजार में गया है। जब बाजार में जाएगा तो जीएसटी मिलती है, और इसलिए भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकार का बजट भी बढ़ा है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि केंद्र की सरकार ने जो गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं लागू की, महिला सशक्तिकरण की जितनी भी योजनाएं लागू की, वो सब योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और उसकी प्रगति भी साफ दिखाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में 2003 में पीडब्ल्यू मंत्री के हिस्से से मैंने यहां पर काम किया था। मुझे याद आता है 2003 में मध्य प्रदेश की सड़कों के क्या हाल थे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। मेरा रिकॉर्डेड भाषण है इस सदन के अंदर, मैंने कहा था दिग्विजय सिंह जी, मैं गुजरात का प्रभारी हूं, अहमदाबाद से गाड़ी में बैठता हूं, सो जाता हूं, जैसे ही नींद खुलती है तो समझ जाता हूं कि आपका प्रदेश आ गया। ये सड़कों की स्थिति थी मध्य प्रदेश की। आज आप कहीं से भी आइए, जागते हुए आइए, अगर आपको नींद लग जाए तो समझ लेना मध्य प्रदेश की चमचमाती हुई सड़कें आ गई है। ये मध्य प्रदेश की हालत मुझे याद आता है। 2003 में इस प्रदेश के अंदर 60,000 किलोमीटर सड़कें थी अध्यक्ष महोदय, और वो भी गड्ढे वाली, एक सिर्फ देवास बाईपास था जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, बाकी पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 60,000 किलोमीटर सड़कें 2003 में थी, आज है लगभग 5,10,000 किलोमीटर सड़कें बिना गड्ढे वाली। कितनी है जरा बताइए, 5,10,000 किलोमीटर बिना गड्ढे वाली। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की क्षमता हमारी कितनी थी? सिंचाई की हम 7,68,000 हेक्टर सिंचित जमीन थी। कितनी थी? 7,68,000 सिंचित जमीन थी। आज कितनी है? 47,000 हेक्टर। कितनी है? 47,00,000 हेक्टर जमीन सिंचित है, और 2025 तक ये हो जाएगी 65,00,000 हेक्टर। कितनी हो जाएगी? ये प्रदेश की सरकार के प्रगति की सौगात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, फिर पावर मिनिस्टर भी मेरे पास रही। यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखूं 2003 का, तो लगभग था 3878 करोड़ रुपए। आज 2023 की बात करूं तो 56256 करोड़ है, 56256 करोड़। यदि मैं बिजली के उत्पादन की बात करूं, जब मैं पावर मिनिस्टर था तो बिजली का उत्पादन कितना था, तो 5173 मेगावाट, 5173 मेगावाट। रिक्वायरमेंट कितनी थी, 13000 मेगावाट। मतलब कमी कितने की थी, 8000 मेगावाट की। आज 29000 मेगावाट का उत्पादन यह मध्य प्रदेश कर रहा है, और सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकारें पहले भी चली, पर गड्ढे वाली सड़कें थी, अंधेरे वाला प्रदेश था। सौभाग्य से अध्यक्ष महोदय, यदि मैं मध्य प्रदेश के बजट की बात करूं 2003 के, उमा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उस समय बजट जो हमारा था वह 23161 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आज ये हो गया 3,14,075 करोड़, 75 करोड़, एकदम 12 गुना वृद्धि। यह प्रदेश की प्रगति है। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि 2003 में हमारे प्रदेश की जीडीपी 4.43 थी, आज 16.48 है। कितनी है, 16.48। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम थी 11,718, आज 1,40,583। कितनी है रामेश्वर जी, 40,583 प्रति व्यक्ति आय। अध्यक्ष महोदय, हमने प्लान बनाया, ये प्रति व्यक्ति आय आने वाले 7 वर्षों में हम डबल कर देंगे, दोगुनी कर देंगे, इस विधानसभा में ये करके दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी आर्थिक प्रगति की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका गए, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी यार, तुम्हारे समझ में जा, ये तुम्हारे समझ की बात ही नहीं, काहे को बोल रहे हो भाई, जिसमें समझ हो वो बोले, अब जिसमें समझ ही नहीं काहे को बोल रहे हो। अध्यक्ष महोदय, तो ये एक, एक एक हमारा जो प्लान है आगे का मध्य प्रदेश के विकास का, ये महामहिम राज्यपाल ने जो छोटा दस्तावेज दिया है, आने वाले समय में बजट सत्र में हम आएंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 बातों का आग्रह किया है कि अगर देश की जनता इन 9 बातों का ध्यान रखे तो देश के विकास में हम सब बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए जब हमने अमृत महोत्सव मनाया था, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृत काल है, आने वाले 25 वर्ष हम सब देशवासी संकल्प लें कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाए तो यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा हो। उसमें अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, देश के विकास में भी मध्य प्रदेश की भूमिका बड़ी होगी, देश की जीडीपी बढ़ाने में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि हमने जिस प्रकार का मास्टर प्लान बनाया मध्य प्रदेश के विकास का, वह देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 आग्रह किए। पहला आग्रह, पानी की हर बूंद बचाएं। दूसरा आग्रह, गांव गांव को डिजिटल बनाए। अध्यक्ष महोदय, ये हमने संकल्प लिया है। तीसरा, गांव शहर मोहल्ले को स्वच्छ बनाए, स्वच्छता अभियान। इंदौर लगातार देश के अंदर लगातार स्वच्छता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय,
चौथा उनकी राय थी कि लोकल मेड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रमोट करें। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का उत्पादन यदि हमारे देश के लोग खरीदेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार है, और इस बाजार में यदि हमारे द्वारा उत्पादित चीजें यदि हमारे लोग लेंगे तो निश्चित रूप से देश की ग्रोथ में, प्रदेश की ग्रोथ में बड़ी प्रगति होगी। अध्यक्ष महोदय, पहले अपने देश को देखें, घूमें, अपने देश का पर्यटन बढ़ाएं। मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के। महाकाल लोक बनाया, महाकाल लोक बनाते ही उज्जैन की इकोनॉमी बदल गई। जहां 15,000 लोग प्रतिदिन आते थे, वहां 1,00,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। इंदौर उज्जैन की होटल तो भर जाती है, इंदौर में भी रविवार सोमवार को होटल में कमरे नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक मंदिर के विकास से हमारा स्थानीय पर्यटन इतना बदला है। ये जो सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महती भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण आ रहा है माननीय पटवाजी मुख्यमंत्री थे, राम मंदिर आंदोलन बन रहा था, केंद्र में सरकार कांग्रेस समर्थित थी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। हमने कहा हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। पटवाजी ने यहीं से इसी सदन में कहा कि हम कुर्सी को ठोकर मार देंगे, बाकी हमारी विचारधारा के साथ में रहेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि सांस्कृतिक अभ्युदय के कारण आज राम मंदिर भी बन रहा है 22 जनवरी को। ये देश के लिए गौरव की बात है, प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमने भी उस राम मंदिर आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा की थी। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक खेती, इसके प्रति भी जागरूक रहने का आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, हम इसको भी आत्मसात करेंगे। मिलेट्स, जिसका नाम उन्होंने श्री अन्न दिया है, हमारे यहां सरकार ने श्री अन्न पैदावार करने के लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराना, बल्कि उनके उत्पादन को मार्केट दिखाना, इसकी भी व्यवस्था की है, जिससे मिलेट्स के उत्पादन हमारे प्रदेश में बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, योगा आप सब जानते हैं, स्पोर्ट्स, इस क्षेत्र में भी देश ने बहुत प्रगति की है। हमारे मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और एक आग्रह बड़ा संवेदनशील किया है कि देश के हरेक व्यक्ति यह सोचे कि क्या मैं एक गरीब परिवार की मदद कर सकता हूं क्या। अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प ले कि हर व्यक्ति एक गरीब परिवार के उत्थान में क्या भागीदारी निभा सकता है, इस दिशा में अवश्य काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि ये नई सरकार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में आगे काम करने वाली है, वह विकास के कीर्तिमान रचेगी, सांस्कृतिक अभ्युदय के कीर्तिमान रचेगी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है इस प्रदेश के अंदर, जिसे महाकाल लोक बना है, इसे ओंकारेश्वर लोक बने। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति, जिसका हमने विद्यार्थी परिषद के जमाने से विरोध किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति लागू की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय शिक्षा मंत्री थे, मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था जिसने उस शिक्षा नीति को लागू किया है। और इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक वृहद कमेटी बनाई, और उस कमेटी के माध्यम से मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, इसके लिए प्रदेश काम कर रहा है। मैं एक बार फिर से महामहिम राज्यपाल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प ले चुकी है। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 में यह देश दुनिया का ताकतवर देश बने, वैसे ही मध्य प्रदेश भी देश को ताकतवर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मुझे 31 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही मैं पढ़ूंगा। जो माननीय सदन सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे। श्रीमती सेना महेश पटेल क्रमांक 1, श्री अभय कुमार मिश्रा क्रमांक 2, श्री रजनी सरवन सिंह 3, श्री मोंटू सोलंकी 4, श्री देवेंद्र नारायण सखवार 5, श्री विपिन जैन 6, श्री केशव देसाई 7, श्री सुरेश राजे 8, श्री राजन मंडोई 9, श्री हीरालाल अलावा 10, श्री दिनेश गुर्जर 11, श्री आसिफ मसूद 12, श्री संजय उइके 13, श्री साहब सिंह गुर्जर 14, श्री कमलेश्वर डोडियार 15, श्री विवेक विक्की पटेल 16, श्री मधु भगत 17, श्री सुनील उइके 18, श्री चैन सिंह वरकड़े 19, श्री दिनेश जैन बोस 20, श्री महेश परमार 21, श्री नारायण सिंह पट्टा 22, श्री कैलाश कुशवा 23, श्री बाला बच्चन 24, श्री जयवर्धन सिंह 25, श्री रामनिवास रावत 26, श्रीमती झूमा डॉक्टर ध्यान सिंह सोलंकी 27, श्री रामकिशोर दोगने 28, श्रीमती चंदा सुरेन सिंह गौर 29, श्री राजेंद्र भारती 30, श्री आतिफ आरे फकीर 31। अब राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री रामनिवास रावत जी। अध्यक्ष जी, पहले परंपराएं थी जो संशोधन दिए जाते थे उसमें हाथ उठा के वो सदस्य उपस्थिति जता देते। मैंने तो उठाया है। मैंने देखा कि हाथ आपने उठाया अकेला, मैं देख रहा था कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे। नहीं उठाया। नहीं नहीं, अपने सचिव भी उपस्थित थे लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हमने हाथ उठा नहीं। ये स्थापित परंपरा है बाला भाई, आपकी बात से सहमत है, इसका पालन किया जाना चाहिए, अमान्य करना चाहिए। जो सदस्य उपस्थित है एक बार हाथ उठा दे, उनके प्रस्ताव प्रस्तुत माने जाएंगे। धन्यवाद। श्रीमान रामनिवास रावत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से सदन प्रारंभ हुआ है, दो दिन तो शपथ और आपका चुनाव हुआ। सभी सदस्यों को बधाई देते हुए मैं आदरणीय हमारे सम्माननीय और मुझसे सीनियर कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का से असहमत होते हुए अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल, हम एक बात उन्होंने कैलाश जी ने कही, मैं उससे सहमत हूं। हम सब जनता द्वारा चुनकर आते हैं और हमारा सभी का एक ही उद्देश्य रहता है, अपने क्षेत्र का विकास, गरीबों का विकास, गरीबों की सेवा, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही रहता है। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी गरीब की आंखों में आंसू की जगह आपकी वजह से अगर मुस्कान आ जाए तो उससे बड़ी सेवा कोई दूसरी नहीं हो सकती। इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी भी सरकार का दर्पण होता है, किसी भी सरकार का आईना होता है। उस महामहिम के भाषण से ये परिलक्षित होता है कि सरकार भविष्य में इस प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए क्या क्या करने जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने कल जिस तरह से महामहिम का अभिभाषण
सरकार का दर्पण होता है, सरकार को प्रतिबिंबित करता है पूरे प्रदेश में। इसी तरह से हम सदस्यों के लिए, सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हमारी क्षमता, हमारी दक्षता और हम लोगों की कितनी जागरूकता, कितनी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए, वो एकमात्र सदन है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय संरक्षण चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही सुशासन और अपराध रोकने की बात की थी। सुशासन सभी लोग चाहते हैं और घोषणाएं सभी लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जितने भी नामांतरण रजिस्ट्री के साथ किए जाएं, लेकिन वो फील्ड में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हम पूरे सदस्यगण प्रश्नों के माध्यम से उसकी जानकारी लेते हैं और वो जानकारी माननीय सरकार को, समस्त सरकार को जानकारी आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा अभिभाषण से पूर्व मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम हाउस में प्रश्न उठाते हैं। अभी हमारे सदस्य बनते हुए एक ब्रीफकेस दिया गया और उसमें दो किताबें दी गई। दोनों किताबें मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम और दूसरी थी माननीय अध्यक्ष के स्थायी आदेश। उसमें एक संशोधन था, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि विधानसभा के किसी भी कार्यकाल के समस्त सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्न की वे सूचनाएं जो स्वीकृत होकर विभाग के उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हैं, के अपूर्ण उत्तरों को पूर्ण उत्तर सभा के विघटन होने के ठीक पूर्व प्राप्त नहीं होने पर सभा के विघटन पर व्यपगत माने जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थायी आदेश से हमारे प्रश्न करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अगर कोई अधिकारी जिसके खिलाफ प्रश्न उठाए, अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रश्न उठाए, वो तो भेज देगा जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसकी ना हाउस के प्रति प्रतिबद्धता रहेगी, ना हाउस के प्रति कर्तव्य निष्ठा रहेगी। कम से कम ये होना चाहिए। ये मैं अंतिम सत्र के संबंध में तो मैं ठीक समझता हूं कि सभा का जब अंतिम सत्र होगा उसके लिए तो ठीक है, लेकिन प्रथम सत्र से लेकर अंतिम सत्र तक अगर जानकारी एकत्रित की जा रही है तो हमारे प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप विद्वान, अभिभाषण पर ही बात करूंगा, हमारी जब हाउस में बात करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, हाउस में किसी मुद्दे उठाने का अर्थ ही नहीं रह जाएगा, अभिभाषण पर चर्चा हो जाएगी, क्या मतलब? नियम समिति में रखिए आप ये विषय, नियम समिति में रखिए। माननीय आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं, सम्मानित आप सभी सदस्य, सभी सदनों के सदस्य रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पूर्व में चुनकर आया था, उस समय पहली बार चुनकर आया था, उस समय मैं समझता हूं काफी आदरणीय भार्गव जी थे, विजय वर्गी जी थे, उस समय बटवा जी थे, अर्जुन सिंह जी थे और शुक्ला जी थे, बोरा जी थे, सामने कैलाश जोशी थे उस समय, और अध्यक्षीय आसंदी पर ब्रजमोहन मिश्र हुआ करते थे सम्मान्य। उस समय सदन की जो महत्ता थी, सदन का जो महत्व था, उस आज लगातार हम चले आ रहे हैं, निरंतर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है सदन। प्रशासन में सुशासन अगर स्थापित करना हो तो सदन में पूछे गए प्रश्नों का, सदन में कही गई बातों का और जवाब ठीक से मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पे कृपया पुनर्विचार कर लें। आपको अधिकार है, आप स्थायी आदेश दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि सदन में हमारे बोलने का मतलब तभी रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए इस बात को मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण मैंने पढ़ा, अभिभाषण में आप भाषण शुरू कर रहे हैं? जी शुरू कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभिभाषण में अब फिल्म अब आएगी, पहले ट्रेलर था। हमें कोई आपत्ति नहीं है केंद्रीय योजनाओं का नाम होना चाहिए,
अभिभाषण में कल मैंने जो कहा आपने हमारे विजयवर्ग जी ने उल्लेख किया, अभिभाषण में 48 बिंदु हैं और 48 बार मोदी पीएम प्रधानमंत्री का उल्लेख आया है। नहीं कोई बुराई नहीं है, हम तो पूरी तरह से सीएम को गायब कर दो तब भी कोई बुराई नहीं मानेंगे। मात्र 14 बार सीएम का उल्लेख आया है, ऐसा लग रहा था, इसलिए कहा था मैंने विजयवर्गीय जी कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी द्वारा भेजा हुआ किसी केंद्र प्रशासित प्रदेश की विधानसभा में पढ़ा जा रहा है अभिभाषण। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनिवास जी आप जानते हैं कि भारत सरकार प्रत्येक योजना में 60% राशि का योगदान या कहीं कहीं किसी योजना में 90% उल्लेख क्यों नहीं होना चाहिए बताएं। तो मैंने अपनी बात कह दी, अगर अगर यही आप करते रहते उल्लेख तो अब इसलिए भी करना पड़ेगा कि उल्लेख के बिना काम नहीं चलेगा, अब जो भी चलेगा वहीं से चलेगा, जो तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें करेगा वो ही वहां तक पहुंच पाएगा, नहीं देख लो बाकी कितनी आगे की लाइन में कितने यहां तक आ गए। मेरी सरकार या मेरी मेरा प्रदेश कहा तो आप भी नहीं बचो, आप तो एक परिवार की आरती उतार रहे हो, आप परिवार की आरती उतार रहे हो आप। अन्य अध्यक्ष आपकी स्थिति तो पहले बताइए। राम निवास जी कृपया विषय पर रहे। मेरी स्थिति नहीं मूल तत्व रह जाएगा आप जो कहना। मैं जहां हूं मैं ठीक हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विजयवर्गीय जी ने उत्थान की बात की, गरीबों की बात की, मैंने अभिभाषण पढ़ा और इस अभिभाषण में दिया हुआ है कि मोदी जी का संकल्प है गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं ही हमारी सब वीवीआईपी हैं, उन्हीं की सेवा करना हमारा फर्ज है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। 2003 में जब सरकार थी, 2003-04 में तब कर्ज था 30,000 करोड़, आज कर्ज बढ़ के हो गया है 3,85,000 करोड़। उस समय प्रति व्यक्ति कर्ज था 20,000, आज प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपके अभिभाषण में दिया हुआ है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम 5,31,00,000 लोगों को निःशुल्क राशन देते हैं, हम इसमें बुराई नहीं मानते, लेकिन 8.5 करोड़ इस प्रदेश की जनता है, 8.5 करोड़। अगर 5,37,00,000 को आप गरीबों को राशन देते हो तो किधर गरीबी मिटी, किधर गरीबों का विकास हुआ, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस समय गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत हुआ करता था 3-4 में 35, अगर इस प्रतिशत को निकालोगे तो 70% आज गरीब हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? अगर विकास हो रहा है प्रदेश का, आपने जो बताई 1,48,000 प्रति व्यक्ति आए, किसकी है? जब 5,37,00,000 लोग अन्य योजना के तहत राशन ले रहे हैं तो ये किसकी है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए काम करें। निश्चित रूप से आय बढ़ी है, बजट भी बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों के आय बढ़ी है, कुछ लोगों की आय बढ़ी है, गरीबी और अमीरी का निरंतर गैप बढ़ता जा रहा है, गरीब अति गरीब होता जा रहा है, अमीर अति गरीब अमीर होता जा रहा है, पैसा कुछ ही लोगों के पास पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि विजयवर्गीय जी और सभी इस बात का चिंतन करेंगे कि 5,37,00,000 अगर गरीब अन्न योजना के तहत राशन लेते हैं तो ये चिंतनीय बात है कि हम प्रदेश को किस दिशा में कहां ले जाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही दो तीन आदेश निकाले, मांस खुले में नहीं बिकना चाहिए, इसका पालन कराया। ये आदेश तो पहले से ही है, आदेश सरकार के पहले से ही है और लाउड स्पीकर का, हमें आपत्ति नहीं है, हम इससे असहमत नहीं है, लेकिन हम चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री अगर आदेश करते कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाएगी, अगर ये आदेश करते तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करते, पूरी सरकार का स्वागत करते, कैलाश जी आपको भी धन्यवाद देते,
लेकिन आपको युवाओं की चिंता नहीं है, आपको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि एमपी रोजगार पोर्टल पर 37,80,679 शिक्षित बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों के पंजीयन जीवित हैं। यह जानकारी विधानसभा की है, विधानसभा प्रश्न में दी गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया आपकी 20 साल से सरकार है कि आप कार्य रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये विधानसभा प्रश्न क्रमांक 429 के उत्तर में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भर्ती की भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की, बेरोजगारों से करोड़ों रुपए वसूल किया और पटवारी परीक्षा का क्या आलम हुआ, ये आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, किस तरह से भर्ती की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विजयवर्गीय जी ने जो केंद्र शासन से केंद्र की सहायता राज्य को मिलती है, मैं उसके बारे में भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कितनी सहायता वर्ष 23-24 में अभी तक नहीं मिली। लगभग 800 करोड़ की राशि आपकी जीएसटी की आ गई हो तो इस संबंध में बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं आई है। आपने संकल्प पत्र की बात की है, मोदी जी की गारंटी की बात की है, आपने किसानों का उल्लेख किया है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपके संकल्प पत्र में गारंटी थी किसानों से 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी गेहूं का समय आएगा, लेकिन अभी धान खरीदी का समय चल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था करने का संकल्प था या नहीं था, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। है तो 3100 रुपए क्यों खरीद रहे, 3100 रुपए क्यों नहीं खरीद रहे? क्या 3100 रुपए के हिसाब से धान बेचने वाले किसानों को राशि देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी है ये कैलाश जी, ये जो गारंटी मोदी देते हैं वो करते हैं। तो 3100 रुपए धान क्यों नहीं खरीद रहे? क्या 3100 रुपए धान की राशि देंगे? महोदय, अभी बजट सत्र आएगा, उसमें बजट में प्रावधान होगा, कोई घर से थोड़ी दिया जाता है। ये अभी अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। मैं सदन को इस बात से, मोदी जी की गारंटी भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी की गारंटी की, जो संकल्प 2023 हमने पारित किया उसका अक्षरशः पालन करेंगे। नहीं तो हम वही तो कह रहे हैं, क्या 3100 रुपए धान खरीदी की राशि देंगे प्रति क्विंटल? देंगे? आपकी स्थिति क्या है? रामनिवास जी, अभी आपकी चालू है, जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे तो आप जवाब दे रहे हैं। आपकी 15 महीने की सरकार में कौन सी गारंटी थी, कौन सा वादा पूरा कर दिया था आपने? कंटिन्यू करो। 2.5 लाख आवास इन्हों की आवाज देने से इनकार कर दिया था कमलनाथ जी ने, भूल जा रहे हो आप? कंटिन्यू करो। गरीबों की बात कर रहे हो और गरीबों के मकान नहीं दे रहे थे? प्लीज बारू जी कृपया बैठ जाए। अरे योजना बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, गरीबों की सारी हितकारी योजना बंद। 15 लाख रुपए दिए क्या आप लोगों ने? गारंटी लिया था तो सभापति महोदय आईफा के नहीं, भाई ठीक चलेगा, आप चिंता नहीं करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा, क्या किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी देंगे और क्या गेहूं 2700 रुपए खरीदा जाएगा, इसकी व्यवस्था दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लाडली बहनाओं को जो मोदी जी की गारंटी है, मासिक आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा आवास का लाभ। आवास का लाभ तो दूर गया, करोड़ों लाडली बहनाएं जिनकी वजह से आप सरकार में हो और जिनको कहा था
1000 रुपए देना शुरू किया, फिर 1250 देना पहुंचा, 1250 रुपए पहुंचाए। उन लाडली बहनाओं का राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये उन लाडली बहनाओं के साथ धोखा, उसका उल्लेख क्यों नहीं है? पैसा तो उनके खाते में डला ना, इस महीने का डलाया गया। उसके बाद नहीं डला, ये प्रश्नकाल नहीं है। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, तो राम निवास जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप चर्चा को कंटिन्यू रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखकर नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार से बीच में अगर किसी वरिष्ठ सदस्य के बोलने पर खलल होगा, फिर हमारे सदस्य भी सब खड़े होने की व्यवस्था आपको देना कि मैंने इसीलिए कहा राम निवास जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो बोलने के बाद उधर से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार बता दें इस बात उसके कारण ये व्यवधान। धन्यवाद राम निवास जी, आप कंटिन्यू रखो, पूरी करो बात। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तब मैं इनका उत्तर चाहता हूं। वैसे मेरी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चले, कतई अपनी सरकार नहीं कहें, मोदी जी की सरकार है। आप 5 साल रहे, हमारी शुभकामनाएं, हमारे वर्ग के हो, और जिसने जनगण मन नहीं किया, जिसने तुम्हें माता च पिता नहीं किया, वो सब ये बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस संबंध में इतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर चाहूंगा, जब इस अभिभाषण में यहाँ गैस पीड़ित महिलाओं को पेंशन लागू करने का उल्लेख कर दिया है, तो क्या लाडली बहनाएं प्रदेश की, जिनकी वजह से सरकार आई, असल में गलती शिवराज सिंह जी से हो गई। मोदी जी की लाडली बहना कहते तो शायद वो नहीं हटते, लेकिन उन्होंने मेरी लाडली बहना, मेरे भांजे भांजी, मेरी सरकार, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जिसकी वजह से ये सरकार आई, उनके साथ बाधा खिलाफी न हो, अपने उत्तर में कहें क्या इस योजना को लागू कर चालू रखेंगे, और क्या लाडली बहनाओं को 3000 रुपए तक राशि मुहैया कराएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय केवल ये पूछना चाहता हूं, और लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ साथ आवास का लाभ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने अभिभाषण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र आदरणीय इन्होंने भी किया, देश के युवाओं की स्थिति, देश के युवाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि देश के युवा भी हमारे लिए वीआईपी हैं। तो मैं पहले ही कह चुका, अगर देश के युवा वीआईपी होते तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वायदा मोदी जी ने किया था प्रतिवर्ष, और 2 लाख रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने वायदा किया था, 2 लाख का इसमें भी उल्लेख है। लेकिन रोजगार आप कैसे देंगे? क्या आप रिक्त प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों की भर्ती सुनिश्चित कराएंगे और उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएंगे? इसका जवाब भी मैं चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के संकल्प की बात कही, विकसित भारत का चित्र तो केवल जो अन्य योजनाएं उसके उनकी जो संख्या है वो काफी चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपने कार्य संस्कृति उसकी
महाकाल लोक की बात करी, मैं महाकाल लोक के संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा, आपने निर्माण किया बहुत अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको बधाई देते हैं, लेकिन उस निर्माण का छोटे से तूफान में क्या हुआ इसकी भी चर्चा कर देते आदरणीय विजय वर्गीय जी, तो हमें अच्छा लगता कि उस निर्माण में कमी जिसने भी की उसके खिलाफ हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे, उस निर्माण में कोई न कोई लिप्त तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, उसमें कोई संलिप्त तो नहीं है, उसको भी हम देखने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अपराध रोकने की बात कही है, मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन जबरदस्त रूप से हो रहा है, कोई अंकुश नहीं है, अवैध उत्खनन सत्ता और प्रशासन के मिले हुए मिली भगत से अवैध लोग उत्खनन जबरदस्त रूप से कर रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी की चुनाव के बाद एक महिला नायब तहसीलदार, महिला तहसीलदार पर अवैध उत्खनन रोकने गई, किस तरह से हमला हुआ किसी से छुपा नहीं है, एक पटवारी की हत्या कर दी गई और एक आईपीएस की हत्या भी पूर्व में हुई थी, वो भी अवैध उत्खनन के कारण हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधों में भी निरंतर बढ़ी हुई निरंतर बढ़ोतरी हुई है, मैं तो ये चाहता हूं कि अपराधों की रोकथाम बने, शासन में प्रशासन में भय समाप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो स्थिति है, प्रतिदिन 131 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस प्रदेश में होती हैं, इनमें से 8 अवयस्क महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, महिलाओं के। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये स्थिति चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के आपराधिक आंकड़ों के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी मध्य प्रदेश सरकार को के खिलाफ की है कि मध्य प्रदेश के गजब आंकड़े हैं, राज्य में 1951 दुष्कर्म पीड़िता है और राज्य सरकार हरेक को 6,500 रुपए मदद दे रही है, क्या आप धीक दे रहे हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? उनके सम्मान के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई की जाए, आप कर रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन भय क्यों नहीं बन पा रहा, इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही, मैं इसके संबंध में भी कहना चाहूंगा। प्रतिदिन प्रदेश में 52 महिलाएं प्रतिदिन गायब हो रही हैं, गुमशुदगी के कई मामले अंकित हैं, औसत प्रतिदिन अवयस्क महिलाएं 23 गायब हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहां बेरोजगारी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, कुल बेरोजगार मैंने संख्या बताई, पटवारी के 9,300 पदों पर 12 लाख आवेदन आए, जिनमें उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार थे। ग्वालियर के 57 चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए 60,000 आवेदन आए, जिसमें 80% स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी थे। सभी पद जो रिक्त पड़े हैं प्रदेश के शासकीय विभागों में, उनको भर्ती करने की आदेश तुरंत दिया जाए। आपने शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात की, शिक्षा का उल्लेख इसमें आया है, शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में भी बात कही गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारोगे कैसे? आपने जो सामान्य स्कूल थे उनको सीएम राइज स्कूल कर दिया, पहले मॉडल स्कूल बनाया, मॉडल स्कूल के बाद सीएम राइज स्कूल बना दिया, लेकिन टीचिंग स्टाफ जो सामान्य थे, मॉडल में थे, सीएम राइज में थे, वही की वही है, तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार हो सकता है? क्या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा आपको शिक्षक देने से, फैकल्टी देने से, जब तक आप अच्छी फैकल्टी नहीं दोगे। आप कॉलेज खोल देते हो तो स्कूल में, कॉलेज खोल देते हो तो उसमें प्राध्यापक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो उनमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं, कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है ये जरा प्रस्तुत करें, कितने स्कूलों की स्थिति क्या है, उच्च शिक्षा और बिल्कुल देंगे प्रधानमंत्री का, मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, मैं तो उनको सलाह भी दे दी, हम चाहते हैं आप 5 वर्ष तक रहें, 5 वर्ष नहीं और, बहुत बहुत धन्यवाद आगे मोदी जी के खास बने रहे, मैंने ये कहा है आगे क्या रहे ये नहीं कहा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मोदी जी के कृपा पात्र बने रहे, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पास निकली आवाज आपकी जी, महोदय आवाज आती पास निकली, रावत साहब के बने अनुमति दे। तो एक शेर याद आ गया मुझे, अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है और हमें उनके गुणगान करना चाहिए, प्रधानमंत्री का गुणगान करना चाहिए। इनके नेता तो इनको कट भी नहीं पिलाती तो भी उनके गुणगान करते हैं, पर फिर भी मुझे एक शेर याद आ गया। वो बेवफा थे जो नजरें चुराकर चल दिए, हम बावफा हैं जो नजरें झुकाकर सलाम करते हैं।